एंड एक्शन देवर जी क्योंकि भाभी का बलम गया है चेन्नई, तो हमारे पास 500 बीघा जमीन है और 3-4 किलो सोना है, तो सबका पेपर यहाँ पे रखा हुआ है। अब चलते हैं हम मेरे भाभी के बेडरूम में जो अभी गंदा है, फिर भी दिखाना तो पड़ेगा। कि घर में सुंदर मंदिर होना बहुत जरूरी है। जेन मेरे हाथ से फोन गिर जाए तो, और ये भाभी का फोन है और ये गिफ्टेड बाय श्रवण दिखाई दिया। ये पीछे कौन हो भाई साहब? और कुछ लोगों को दरवाजे से भी रिटर्न किया जा सकता है। फेविक्विक ऐसा चीज है ना, सबका इलाज कर देता है, वो उसका भी कर देगा। यस सर। मैं सुधीर सिंह ऑफिशियल और ये मेरी भाभी निया सिंह ऑफिशियल। तो आज हम शूट कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म बलम गया चेन्नई, और ये पीछे भाभी है। भाभी ने इसके पहले 98 रीटेक दे दिया और अब ये 99th टेक है। आई होप सो भाभी परफेक्ट शॉट दे दे। भाभी 1 2 3 एंड एक्शन। देवर जी और ये हमने सक्सेसफुली 100 पार करते हैं। अमेजिंग। तो दोस्तों ये था बिल्कुल मजाक, क्योंकि ना भाभी ना मुझे चाय दे रही है ना कुछ कर रहे हैं, हम एक्चुअली करने जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज। बट जो नाम है ना बलम गया चेन्नई, वो एक्चुअली में करेक्ट है, क्योंकि भाभी का बलम गया चेन्नई और बलम के ना रहते हम सोचे कुछ अच्छा करते हैं, तो हमने अपना हाउस को मतलब हमने अच्छा सरप्राइज देते हैं। गाइस बहुत थक गए आज। मैं सुधीर सिंह ऑफिशियल और ये मेरी भाभी निया सिंह ऑफिशियल। तो हमारी हालत इस वक्त है खराब, क्योंकि हमने किया बहुत मेहनत इस घर को, थोड़ा क्या किया भाभी अपडेट किया है। तो हालांकि ये फ्लैट में भी नए नए शिफ्ट हुए, नए नए बोल के भी 1 महीने हो गए, तो सामान सेटल नहीं हुआ था। तो मैंने हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कोई काम के चक्कर में हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तो फाइनली हमें मौका मिला, हमने समय निकाला और हमने चीजें को व्यवस्थित की। तो मैं आपको दिखाता थोड़ा बिफोर और आफ्टर। तो बिफोर के क्लिप्स मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मैंने पहले के व्लॉग्स बनाया ना उसमें से कुछ क्लिप्स चुरा के मैं इसमें चिपकाऊंगा, बट आफ्टर के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है तो भाभी, लेकिन हाँ एक और बात, मैं तुरंत नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे फिलहाल हो रही है बहुत गर्मी, तो मुझे नहाने जाना है और भाभी भी थोड़ा फ्रेश होंगी। बट मैं नहाने यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा ऊपर पूल में, फिर हम फ्रेश होकर आएंगे, फिर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि हमने क्या चेंजेस किए। ओके, ये व्लॉग में सिर्फ यही है, अगर आपको देखने में इंटरेस्ट है तो देखिए, वरना बाय। पूल के अंदर घुसते ही सारी थकान गायब। तो गाइस मेरी पुलम पुलाई हो गई है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ घर में और मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या चेंजेस किए टीचर। तो हम शुरू से शुरू करते हैं। तो ये बिल्डिंग का नाम है रुस्तम जी और एलिया, और ये फ्लैट है 15th फ्लोर पे। अब हम यहाँ से 1506 में एंट्री करते हैं, हमको दिखाते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। सबसे पहले यहाँ से भाभी, यहाँ से तो ये एक्सप्लेन करिए भाभी, क्या है? सो बेसिकली हम जब बैंगलोर में रहते थे तो हमारे फ्लैट का नंबर था 1406। अब फिलहाल हम यहाँ रह रहे हैं तो ये है 1506, एक फ्लोर ऊपर, मतलब तरक्की हुई है। तो इसमें चेंजेस करने हैं वो मैं करूंगा बट बाद में, बट इसकी प्लेसमेंट यहीं पे होगी या फिर बाहर भी लग सकता है। आई होप यू लाइक इट। यस, देखो इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। नेक्स्ट ये है ये सोफा। तो पहले भी घर में सोफा था ही, पहले भी ऐसे ही रखा था, फिर कुछ तो था, बट आपको ये वाला फील नहीं दे रहा होगा जो अभी फील दे रहा है। या ये हमारे कर्टन्स, बेसिकली ये कर्टन्स मैंने इंदौर से मंगवाए हैं, जो कि कम रेट में अच्छी क्वालिटी। ठीक है, सो अगर आपको भी इंदौर में इससे कुछ खरीदना हो प्लीज मुझसे पूछिएगा, आई विल गाइड यू। और ये 15th फ्लोर से व्यू दिखा दीजिए जरा प्लीज। अब पीछे जाइए, अब यहाँ पे आइए। ये जो ये है ना, ये भाभी ने पहले उसे वहाँ कहीं लगाया था दूसरी जगह, बट फिर हमने उसको मेकओवर किया और हमने उसे ये रस्सी वगैरह में बांध के हमने उसको ये जगह दी। करेक्ट। उसके बाद टीवी की जगह यही थी, फिर हमने यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव किया है। सो ये बदलाव के चक्कर में मेरा ये अवार्ड जो मुझे मिला था टूट गया है, बट आई थिंक ये वापस से इसको हम ठीक कर सकते हैं। कोई ना, फेविक्विक ऐसा चीज है ना, सबका इलाज कर देता है, वो उसका भी कर देगा। yes, और अगेन हमारे नीम करोली बाबा जी, ये मेरे फेवरेट नीम करोली बाबा जी, मेरे गणपति, दैट्स माय बाबा जी, हमारे गणपति जी। बुराना सुनो, बुराना बोलो, बुराना देखो और बुरा मत सोचो, और बुरा मत सोचो। यस। तो ओवरऑल यहाँ का चेंजेस ये है कि यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल था और ये जो है ना ये बेडरूम में था, बट हमने उसे उठा के इंटरचेंज कर दिया, लाइक मीन स्वैप कर दिया उसे, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, बट ये अच्छा लग रहा है। और हाँ भाभी, इसके बारे में तो बताओ, क्योंकि हमने इसमें बहुत मेहनत की है। तो बेसिकली ये टेबल हम लोगों ने एक तरीके से फेंक दिया था, जो
जो हमें लग रहा था कि ये यूज नहीं हो सकता है, ठीक है, बट हमने इस टेबल को वापस से उठाया और हमने इसको घिस घिस के बहुत अच्छे से क्लीन साफ करके और ये हमने सुपर रेडी किया है फॉर सेंट टेबल। अब देखो कितना यूजफुल लग रहा है। आई मीन अगर चार लोग यहाँ पे बैठते हैं तो हम यहाँ पे उसको चाय दे सकते हैं, कॉफी दे सकते हैं, जो उसका हकदार है, वरना हम कुछ लोगों को पानी भी पिला के वापस भेज सकते हैं एक्चुअली में और कुछ लोगों को दरवाजे से भी रिटर्न किया जा सकता है। इट्स गेटिंग डार्क आई गेस। ओवरऑल अगर भाभी हम पूरा ये दूर से देखें ना, दूर से तो ये एक परफेक्ट स्पेस दिख रहा है, तो हमने बहुत अच्छा किया। अब आ जाते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, डाइनिंग टेबल एरिया। तो डाइनिंग टेबल एरिया ना एक ऐसा कॉर्नर था ना जो ऐसा लग रहा था कि स्टोर कॉर्नर है, मतलब वहां पे सामान रखने की जगह है। फिर अब देखो ये बहुत ही बहुत ही प्यारी सी जगह लग रही है मुझे, मेरे ख्याल से। और मैंने तो आज लंच भी हमने यहाँ ही किया, जो कि हम सिर्फ स्टोर टेबल जैसा यूज कर रहे थे, जहाँ पे मैं सिर्फ बैठ के अपना सिर्फ काम करती थी और कुछ यूज में नहीं आता था। नाउ यू कैन यूटिलाइज इन बोथ वेज। तो ये एंगल से भी आप ये घर देख लीजिए, तो ये एंगल से ये कुछ ऐसा दिख रहा है, वेरी नाइस। और वो एंगल से तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये पीछे कौन हो भाई साहब आप? तो ये था हॉल। अब हम बढ़ेंगे एक ऐसे बेडरूम की तरफ जो बेडरूम होकर भी बेडरूम नहीं कहलाता था, स्टोर रूम था। वो स्टोर रूम था। सोचो मुंबई में इतनी जगह होने के बावजूद इतने ऐसे लोग हैं कि वो स्टोर रूम बना के रखा है। मुंबई में स्टोर रूम कौन बनाता है भाई, हम जैसे लोग तो नहीं बना पाते, बट फिर भी हमने उसको दिमाग लगा के, उसको बेडरूम था तो हमने उसे बेडरूम ही बनाया। चलो अब हम आपको उसको दिखाते हैं। तो उसकी ना कुछ बिफोर की क्लिप है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने बिफोर आफ्टर वीडियोस तो बनाया नहीं है क्योंकि ऐसे कुछ इंटेंशन नहीं था, लेकिन एक कुछ वीडियो में ना बिफोर की, जैसे अभी ये वीडियो देखो, तो आपको समझ आ गया होगा कि उस हालत कैसी है, ठीक है। अब मैं आपको उसका आफ्टर इफेक्ट दिखाता हूँ, आफ्टर इफेक्ट आई मीन आफ्टर वाला दिखाता हूँ। चलो भाभी अभी मैंने ये बेडरूम दिखाया नहीं है, तो पहले मैं इसका वाइड एंगल से दर्शन कराता हूँ। वाओ, व्हाट अ व्यू। तो ये है ये प्यारी सी जगह, ये हमारा ड्रीम कैचर, यस, ये हमारे प्यारे प्यारे कर्टेन्स। तो अब हम इसमें ना चेंजेस क्या किए वो दिखा दो। तो पहले मैं ना बिफोर का तो शायद दिखाया, तो पहले हम छोटी छोटी चीजों पे आते हैं जो हमने यहाँ पे बहुत बदलाव लाए। तो पहले मैं ये इंदौर वाले कर्टन फिर से खोल देता हूँ ताकि थोड़ा लाइट आ जाए। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं ड्रीम कैचर भाभी। हाँ। तो ये रहा ड्रीम कैचर। भाभी बिलीव करती हैं कि आप मैनिफेस्ट अगर अपने सपनों को करोगे तो वो जरूर पूरे होंगे। ओके, तो अभी यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। सो बेसिकली आई बिलीव आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन और मुझे लगता है कि घर में सुंदर मंदिर होना बहुत जरूरी है। अभी फिलहाल ये मंदिर को हमने यहाँ एडजस्ट किया है जो पहले नीचे की तरफ था। Correct. और काफी मैसी हो रखा था क्योंकि हम मेरा ध्यान इस तरफ था नहीं कुछ दिनों के लिए, और फिर हमने यहाँ एडजस्ट किया है। अभी ये मंदिर को मुझे यहाँ सजाना है, जो कि आपको हम बाद में दिखाएंगे, बट फॉर नाउ यू कैन सी दैट कि हमने ये प्लेस किया है। तो ओवरऑल ना क्या था पता है, ये मंदिर जो है ना, मंदिर इस टेबल पे रखा हुआ था, और ये टेबल था वो साइड, और ये मेज थी ये साइड। हाँ। तो वो सब कुछ फ्लोर पे था लाइमिंग, तो हमने इसे दीवार में लटका दिया मंदिर को। ये वॉल पूरा खाली था, तो यहाँ पे ये भाभी ने दिमाग लगाया कि क्या हम इसे अगर यहाँ पे प्लेस कर दें, तो फिर हमने थोड़ा सा प्लेस करने के लिए भी हमने बहुत सारा दिमाग लगाया। देखिए हमें कैसे कैसे DIY किया है बट ये ओवरऑल इसका जो लुक है ना, जो इसका हमने करने के बाद जो इसका फील आ रहा है ना, वो बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। लाइमिंग ये बहुत प्यारा सा वॉल दिख रहा है, और एक वो वॉल पे भी हमने एक पेंटिंग लगाई है जो कि बनारस का घाट, जहाँ से हम सभी लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारे रूट्स हमें कभी नहीं भूलने चाहिए, इसलिए हमने इसको यहाँ लगाया है। जल्दी मिलेंगे एक बनारस के ब्लॉग के साथ। yes. तो भाभी सबसे बड़ी चीज जो हम लोग ने बहुत बड़ा, ये क्या है? सो दिस वाज अ कबाड़ एक्चुअली, जिसको हमने इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो ओवरऑल बताता हूँ, ये जो है ना, ये कबाड़ है। ये भंगार वाले के पास भी ना इससे अच्छा कबाड़ आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसके आगे पीछे हम दिखा नहीं सकते, और ये अनवांटेड है। तो ये जो भंगार का बेड था, इसे हमने ऐसा बनाया कि हम घर में रखे तो बुरा ना लगे। एक्चुअली ये रखा भी नहीं था और ये फेंक भी नहीं सकते थे, तो इसका करे तो करेगा। तो हमने इसे ऐसा बनाया कि अगर घर में पड़ा है तो बुरा ना लगे। बेसिकली इसको हमने एक बहुत ही कबाड़े को हमने एक यूजफुल चीज बनाई है। अब हमारे घर में बिल्कुल बैठने सोने की बेहतरीन स्पेस है,
हमारे मित्रगण, हमारे फैमिली कोई भी आए, हमारे पास इनफ स्पेस है। यस yes. और ये जो गद्दा दिख रहा है, डनलप का गद्दा तो ये पड़ा हुआ था हॉल में, और मैं इसमें हॉल में ही सोता था फिलहाल, क्योंकि बेडरूम में तो जगह थी नहीं। एक बेडरूम में तो भैया भाभी चले जाते थे, दूसरा बेडरूम तो स्टोर रूम था, तो हम तो हॉल में ही सोते थे। अब कोई अगर आए गेस्ट या कोई भी बाहर का लोग आएगा, बाहर के कोई भी आएंगे, तो वो यहाँ पे इजीली ये बेडरूम को यूज कर सकते हैं। ये गेस्ट रूम ही है समझ सकते हैं। और ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल ये फिट हो चुका है यहाँ पे, ये देखो। हमारा प्लान था कि सिर्फ हम ये बेडरूम को चेंज करेंगे। अगर मुझे पहले पता होता कि इतना अच्छा एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो इसका प्रॉपर व्लॉग बनाता बिफोर आफ्टर का, बट क्योंकि ये प्लान नहीं था, बट इतना अच्छा हो गया तो हमने बोला क्यों ना चलो। अक्सर अनप्लान चीजें ज्यादा बेहतर होती है। करेक्ट। तो भाभी हाँ? अब चलते हैं हम मेरे भाभी के बेडरूम में जो अभी गंदा है फिर भी दिखाना तो पड़ेगा। ओके कम। तो हाँ भाभी, ये जो एक रूम है ना, ये बहुत ही प्राइवेट रूम है। यहाँ पे सारे जो हमारे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जो हमारे इतने जायदाद है और हमारे जमीन के पेपर्स है। हमारे पास कितना जमीन है भाभी? हमारे पास 500 बीघा ना। तो हमारे पास 500 बीघा जमीन है और 3-4 किलो सोना है, तो सबका पेपर यहाँ पे रखा हुआ है। और इसको ये एक लॉक नहीं है, ये एक लॉक करने के बाद अंदर दूसरा लॉक है, दूसरे लॉक के बाद तीसरा लॉक है, तीसरे लॉक के बाद चौथा, उसके बाद में मैं कोड डालूंगा, उसके अंदर एक भाभी कोड डालेंगे तभी वो खुलेगा। और एक जिसका घर है ये, जो उसका मतलब चलाता है श्रवण सिंह, नहीं ये जान दो, इज अ ब्लफ मास्टर। तो ये है भाभी का बेडरूम, जो है एक मास्टर बेडरूम और सबसे बड़ा बेडरूम। ये जो है अभी इसकी हालत खराब है, क्योंकि ये जितने भी कपड़े हैं इन्हें मुझे सेट करना है। पहले मैं विंडो खोल देता हूँ ताकि बाहर से लाइट आए। हाँ, वैसे व्यू के मामले में मेरा फ्लैट बहुत अमेजिंग है, यू कैन गेट अ ब्यूटीफुल व्यू। इमेजिन मेरे हाथ से फोन गिर जाए तो, और ये भाभी का फोन है और ये गिफ्टेड बाय श्रवण। ओ गॉड, मार डालेगा मुझे तो वो। तो ओवरऑल ये एक बड़ा सा रूम है। हाँ। तो इसमें भी बहुत स्पेस है, आई मीन बहुत स्पेस है। और स्पेस या अब घर में इतनी ज्यादा जगह हो गया है ना, तो ये जो ये टेबल दिख रहा है ना, ये एक्चुअली हॉल में पड़ा हुआ था टीवी के नीचे, जिसे हमने अदली बदली करने के लिए इसको हमने ये बना दिया है कि हम यहाँ पे आयरन करेंगे हमारे कपड़े। और ये गद्दा जो था, ये गद्दा ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, तो ये सबको बदला है। और इस तरह से एक बाथरूम, ये दिखा ना आपको, दो दो बाथरूम है, तो यहाँ पे एक बाथरूम है। हाँ, मैं नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि बाथरूम क्या ही दिखाऊं, लेकिन वेस्टर्न टॉयलेट है, ठीक है। देखो ये मत बोलना कि हम घमंडी हैं या फिर ऐसा कुछ, बट अपने बारे में ना ऐसी चीजें, पॉजिटिव चीजें बोलती रहनी चाहिए, क्या पता कब सच हो जाए, ठीक है। राइट, तो मैं अभी आप लोग मेरे पिछले कुछ ब्लॉग्स में नोटिस करोगे या ऐसे, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ 5 मिलियन लाइक्स, 10 लाख रुपए, अंडरस्टैंड चीजें बोलते रहे, तो क्या पता कब सरस्वती माँ आ जाए मेरे मुंह पे और सच हो जाए। तो मैं बोलते रहूंगा, तो ऐसे ही एक दिन मेरे पास ऐसे 10 फ्लैट होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको मजा आया और आपको मुझे देखने में इंटरेस्ट है, इसलिए देख रहे हो या फिर ऐसे कुछ देखने में इंटरेस्ट है तो आपने देखा, उसके लिए थैंक यू। ये है मेरी भाभी, कुछ कहना चाहेंगी? सो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी ऑडियंस से, प्लीज सुधीर के व्लॉग्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा देखें उतने अच्छे व्यूज मिलेंगे और पैसा ही पैसा। लेकिन हाँ, एक चीज भाभी मैंने बोलता ही नहीं, पता लाइक है ना, क्योंकि अपने बोलने से नो वन डज दैट। जिसको करना होता है वो करता है, जिसको नहीं, मतलब अपने हर कोई बोलता है, मैं देखता हूँ वीडियोस में ना बोलते हैं प्लीज लाइक कर, उससे कोई कुछ नहीं करता, तो और वो बोलने में भी ऑकवर्ड होता है काइंड ऑफ। आप तो बस इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि हमारे प्रीवियस वीडियोस भी काफी फैले हैं, ठीक है। और मैं फैले हैं गांव खेड़े में तो कुछ ज्यादा ही फैले, गांव में कुछ ज्यादा फैले हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये वीडियोस भी फैले और हमारी हमारी जो रिचनेस है, हमारी जो क्वालिटीज है, ये अमीरपना है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, चलो अब हम आ जाते हैं कि हमने जो मेहनत की हमारे लिए तो वो रंग लाई है। आई हाँ, और आई गेस आपको भी ये देखने में अच्छा लगा हो। और इसी के साथ हम अब करते हैं बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।